किसी के काम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। जीना है उसी का नाम, आए जो किसी के काम। आए जो किसी के काम, आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। जीना है उसी का नाम, आए जो किसी के काम। सच्चा इंसान वही जो गैरों के दुख बाटे हो, गैरों के दुख बाटे। चुन लेता है पलकों से जो सबकी राह के काटे हो, सबकी राह के काटे हो। अपने लिए घर जीना तो जीना है नादान। हर कोने में पहुंचा दो ये अल्लाह का पैगाम। आए जो किसी के काम, आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। जीना है उसी का नाम, आए जो किसी के काम। अली कहाँ खो गया ये? अली, अरे मेरे भाई कहाँ चला गया? अरे क्या बात है कासम मियाँ, आज अपने भाई के लिए इतने परेशान क्यों? अरे मियाँ घर जाके बैठो, कोई बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा। आप नहीं समझते अली, अली मेरे भाई, भाई माफ कीजिएगा। सुनो तुम दोनों वहां जाओ, तुम वहां देखो, मैं यहां देखो। अली मेरा भाई आया था। आया था? तरबूज खाया था। खाया था? कब खाया था? जब तुम्हारी बेगम ने खाना नहीं खिलाया था। तो बेगम ने खाना नहीं खिलाया? कब खाना नहीं खिलाया? कल खाना नहीं खिलाया, इसीलिए तो उस बेचारे को तरबूज खाना पड़ा। अरे भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ। बड़े मियाँ आज की बात यह है कि आज नकद कल उधार। अली से ले लेना। हाँ, 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 कैसे ले लेना। और एक बात सुन खैरू, अगर वो अली मिला तो उसे घर आने के लिए कहना है। अली, अरे मेरा भाई मर गया। क्या? अमीजान अली नहीं, मैं मर गया। हाय अल्लाह, ये बिल्ली मेरा सारा दूध पी गई। इस मुई को तो सुबह शाम भरपेट खाने को मिलता है, फिर भी इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आती। हट, भरपेट खाने को मिलता है तो किसी के बाप का नहीं मिलता। बिल्ली मेरे मायके की है, जिस बकरी का दूध पिया है वो बकरी भी मेरे मायके की है। एक कुल्हाड़ी और दो चटाइयों की सिवा का ही क्या। जब मैं इस घर में आई, नन्ही सी जान छोटा सा पेट, बड़े बड़े पेट वाले भी है इस घर में जो करते धरते कुछ नहीं, सुबह शाम रोटियां ही तोड़ते हैं। तुम्हारे और कासम के सिवा इस घर में हम दो और हैं, एक अली एक मैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जिसे जो समझना है समझे। अरे इनकी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। कितनी बार रोका था अली को ऊंट बेचने मत भेजो, पर मेरी बात किसी ने सुनी? अरे अली गया तो गया, ऊंट भी गया। तुम्हारा क्या मतलब है?
अली ऊंट बेचकर माल खा गया। और नहीं तो क्या, जब तक जेब में माल रहेगा गुल छर्रे उड़ाएगा। नहीं नहीं, मेरा अली ऐसा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं अली बाबा, मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। अलबेला मैं रख वाला हूँ, मैं लड़कपन से यार ऐसा ही दिल वाला हूँ। कांटों से भी ले सकता हूँ फूलों जैसे काम। मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। दुनिया में नहीं बनी, प्यार को सजदा करने से मिलती है दिल को खुशी। प्यार से मिलने वाले मुझको लगते हैं गुलफाम। मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। भाभी जान, भाभी जान, भाई जान, अम्मी जान, तीनों की जान आज इसलिए परेशान है कि ऊंट लेकर अली गया तो कहाँ गया? बताओ ऊंट बिका या नहीं? बिका। कितने में? आप ही अंदाजा लगाइए जरा बड़ा चढ़ाकर। 10 दिनार। बस 10 दिनार? अरे तो फिर खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नसरीन चुम्मी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी जल्दी सुबह के थकी है, जल्दी कुछ बिरयानी वगैरह लेकर चलो। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी। 11, 12, 13, 15। नहीं भाभी जान नहीं, पूरे 20 दिनार। 20? बस 20 सुनकर ऐसे चौंके हो जैसे लखपति बन गए, कंगाल घर में पैदा हुए हो ना, ऐसा कभी देखा जो नहीं। चलो निकालो 20 दिनार और शुरू करो, खाना ठंडा हो रहा है। वही तो अर्ज करना चाहता हूँ भाभी जान, 2 दिनार देकर परिंदों को आजाद किया, 6 दिनार देकर भूखे भिखारियों को खाना खिलाया, और बाकी के 12 दिनारों से बी हलीमा को उसकी किराए का मकान वापस दिलाया। इसी तरह आपके 20 दिनारों को कारे खैर में खर्च करके आपके लिए सवाब कमाया है। अरे ये क्या, नान पकवान सब गायब? अपनी भाभी जान का घर लुटाकर गैरों का भला करते हो? ये रही कुल्हाड़ी, ये हांडी और वो रहा गधा। तुम्हारे लकड़हारे बाप की जायदाद में से यही सब कुछ है तुम्हारे हिस्से में, उठाओ इसे और निकल जाओ इस घर से। लेकिन सलमा। तुम चुप रहो जी, सलमा के तन बदन में इस वक्त आग लगी है, घर फूंक कर तमाशा तुम देख सकते हो, मैं नहीं। अली उठाओ ये सब और अपना रास्ता नापो, और जितना दिल में आए सवाब कमाओ। भाभी जान,
आपने कमाने के लिए कुल्हाड़ी और गधा, खाने के लिए हांडी और सोने के लिए चटाई तो दे दी, एक चीज और दे दीजिए। नहीं, इस घर में जो कुछ भी है मेरे मायके का है, तुम्हें अब कुछ नहीं मिल सकता। मैं आपके मायके की चीज नहीं मांग रहा। तुम्हें कहा ना। ओफो, लेकिन सुनने में क्या जाता है तुम्हारा? बोल अली। सर पे किसी का साया ना हो तो ये सब कुछ बेकार है। साया? तुम्हारा मतलब? नहीं नहीं भाभी जान, मेरा मतलब बुजुर्गों का साया, यानी के अम्मी जान। ओह, मैं समझी, ना जाने क्या मांग रहे हो। तो ले जाओ ना, हजार बार ले जाओ। तुम्हारे सर पे साया होगा, मेरे सर का बोझ हल्का होगा। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए अम्मी जान। अम्मी जान, ये ना अपना पेट भर सकेगा ना तुम्हारा। पेट तो सबका वो भरता है बेटे, जिसने हम सबको पैदा किया। मुझे अली की नहीं, तुम्हारी फिक्र है बेटे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। चलो बेटे। देख लिया ना, दुआ के दो अल्फाज में बद्दू वाला पेट कर दे गई है तुम्हारी अम्मी जान। ये भाई मान गए, आखिर भाईजान ने निकाल ही दिया। ये ऊपर वाला भी अजब शय है, दूसरों को आबाद करने वाले को बर्बाद करता है। ऐसा नहीं कहते खैरू बेटा, वो जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। भाई मान गए, आज उसने जो भी किया उससे आपका भला हुआ या नहीं, खैरू का भला जरूर हो गया। वो कैसे? अरे भाई, मेरी सुबह शाम खाना बनाने की मुश्किल हल हो गई। मुझे एक माँ मिल गई। अम्मी जान, इस गरीब का गरीब खाना आपके लिए हाजिर है, आइए। अली बेटा, अली, अली बेटा, तू कब उठा, कब तैयार हुआ, मुझे जगाया क्यों नहीं? जिंदगी के इतने दिन सोकर गुजार दिया मीजान, अब तक आराम ज्यादा किया और काम कम। आज से काम ज्यादा और आराम कम। हाँ बेटे, खूब काम करो, मेहनत से कमाओ और बांट कर खाओ। अगर कोई भूखा हो तो पहले वो, बाद में खुद। भाई मान गए, सुन लिया आपने अम्मी जान का हुक्म, पहले मैं फिर तुम। अरे खैरू मेरे यार, अगर मेरा बस चले तो दुनिया में किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने दूं, भले मुझे ही भूखा सोना पड़े। भाई मान गए। खैरू, ये वो ख्वाब है जिसे दुनिया का हर गरीब देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। अली बेटे, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहेगा तो तेरा हर ख्वाब पूरा होगा। चलूं कुछ भी कहता रहे कोई, दिल जो माने वही करूं। औरों के दुख लेकर मुझको मिलता है आराम, मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम, मैं अली बाबा, अली बाबा है मेरा नाम। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मैं अली बाबा, जो भी करता है अच्छा ही करता है। अली के सर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ते ही वो तीर की तरह सीधा हो गया। अच्छा? हाँ बेटे, ये ले उसकी पहली कमाई की दो रोटियां और सिवैया तेरे लिए लाई हूँ। अम्मी जान, मुझे अच्छी तरह याद है,
जब मैंने पहली कमाई लाकर दी थी तुमने सारे मोहल्ले को रोटी और सिवैया बांटी थी। अरे चटनी भी है। हाँ। वल्ला क्या बात है, रोटी और चटनी खाए भी मुद्दत हो गई। अल्लाह के नाम पे दो रोटी दे दो बाबा, सुबह से भूखा हूँ। माफ करना बाबा, बेगम घर में नहीं। मैं आपसे आपकी बेगम नहीं तो रोटी मांग रहा हूँ। क्या ठीक ही तो कह रहा है, इनका बस चले तो दो रोटी के बदले अपनी बेगम को उठा कर दे दे। खानदानी कंगाल है ना, रोज खाने को छह छह किस्म के पकवान बनाकर देती हूँ, फिर भी रूखी सूखी रोटियों पर मुंह मारने से बास नहीं आते। लो बाबा। अल्लाह तो खुश रहे। भाई मान गए, माँ वो जो बेटे को सही रास्ता दिखाए और बेटा वो जो माँ का हाथ बटाने के लिए एक अदद दुल्हन ले आए। हाँ। क्या कहा? ठीक कहा अली बेटे, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सुन लिया, आगे सुन। दुल्हन ऐसी ला जैसे चौदहवीं का चांद, पानी में नीलोफर का फूल। बेटी आओ। अब्बा हुजूर, इस बार आप बगदाद शरीफ पहुंचते ही एक ऐसा नौजवान तलाश कीजिए जो तालीम याफ्ता हो, एक अच्छे खानदान का हो और थोड़ा खूबसूरत हो। देखिए ना अब्बा हुजूर, भाईजान से कह दीजिए, वरना। वरना क्या? वरना हम बगदाद के उस हसीना का राज अब्बा हुजूर पर जाहिर कर देंगे। देखिए अब्बा हुजूर, हमें सब मालूम है, बगदाद शरीफ पहुँचते ही हम दो नेक काम करेंगे, उस हसीना से रफीक की शादी और मर्जीना के लिए एक अच्छे नौजवान की तलाश। अब्बा हुजूर। कौन हो सकता है? काफिले वाले इतने तेजी से घोड़े नहीं चलाते। अल्ताफ, सब लोगों से कह दो तैयार हो जाएं। सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है बेटी। ये अंगूठी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगी। जब भी तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाए मुट्ठी दबा लेना बेटी, निजात मिल जाएगी बेटी, निजात मिल जाएगी। अल्लाह। अब्बा।
कफन दफन का इंतजाम हम कर देंगे। कौन है आप? गुलामों का सौदागर उस्मान। क्या? वो डाकू तो बेवकूफ थे जो असल माल छोड़कर चले गए। कसम खुदा की, गजब की चीजों, बसरे के बाजार में तुम मुझे अकेले ही माला माल कर दोगी। नहीं। यूसुफ, नीलामी शुरू करो। जो हुक्म हुजूर। मेहरबान साहेबान कदरदान, ए शाहम गुलाम, होने को है सरे बाजार नीलाम। ये देखने में है इंसान लेकिन असल में है चट्टान। इसकी रगों में खून नहीं, पिघला हुआ फौलाद है फौलाद। फौलाद? अब्दुल जरा छुरी देना, अभी फैसला हुआ जाता है। फौलाद? झूठ बोलते हो बड़े मियां, इसकी रगों में पिघला हुआ फौलाद नहीं, मामूली खून है जो सबकी रगों में होता है। घबराओ नहीं, देख रहा था कि तुम्हारी रगों में खून है या पानी। क्या कहा? अब्दुल अख्तर। हुजूर क्यों, आप में दम नहीं क्या? मैं छोटों के मुंह नहीं लगता और मैं सिर्फ उससे टकराता हूं जो अपने आप को बड़ा समझता है। अबे गधो, देखते क्या हो? कमसिन भी हो, हसीन भी, लेकिन चोर हो, घोड़ा चुरा कर भागी। अरे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने एक शरीफ घराने की शरीफ लड़की को फिर से गुलाम बना दिया। क्या मतलब? दुनिया में फरिश्ते भी होते हैं और शैतान भी। फरिश्ते अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा करते हैं और शैतान अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे सर फेरे बेवकूफ से मुलाकात हुई जिसका अपना ना फायदा था ना नुकसान, तो भी खामखा एक मासूम लड़की के गले में गुलामी का तौक पहना दिया। शुक्रिया नौजवान, आज तुम पीछा ना करते तो मेरी सबसे कीमती चीज हाथ से निकल जाती। ये लड़की कहती है कि गुलाम नहीं है। चोर कभी अपने आप को चोर कहता है? इस हसीना को मैंने बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा है। खुदा हाफिज। मेहरबान साहेबान कदरदान, देखिए हाजरीन, इसका चेहरा जैसे चौधरी का चांद, गाल जैसे खिले हुए दो गुलाब, होंठ जैसे नारंगी की दो फांके और नाजुक अंदाम ऐसी कि हाथ लगाने से निशान पड़ता है। इसके गले में बुलबुल है और पांव में बिजली। नगमा वो जो कभी ना सुना, रक्स वो जो कभी ना देखा। और Thank you.
अभी चिलमुन उठेगी, अभी बिजली गिरेगी, शोर मच जाएगा, सारी दुनिया कहेगी कौन मैं बाकर मियां, बोलिए एक बार आपके कहवे खाने में इसका नाच हो जाएगा तो बसरे के सारे कहवे खानों में ताले पड़ जाएंगे। चश्मे बदूर, बोलिए हुजूर। वल्ला वल्ला 175 दिनार। 200 दिनार। 225 दिनार। 225 दिनार। बोलेगा सो पाएगा, खामोश रहने वाला पछताएगा। अमजद मियां, आप इसे अपने वतन ले जाइए, वहां आपके हरम की शान दोबारा हो जाएगी। 250 दिनार। 300 दिनार। 400 दिनार। 420 दिनार। 500 दिनार। हम जल्द से टक्कर लेने का अंजाम अच्छा ना होगा बाकर मियां। वल्ला वल्ला, इसमें टक्कर की क्या बात है? सरे बाजार नीलामी हो रही है, माल पसंद हो, जेब गरम हो, बोली बढ़ाओ, ले जाओ। हमें माल भी पसंद है और जेब भी बहुत गरम है, लेकिन देखना यह है इस बूढ़े लंगूर के पास ये हूर कब तक रहती है। चश्मे बदूर, हजूर ये मगरूर आपको लंगूर कह रहा है। क्या कहा? हूर को हूर और लंगूर को लंगूर। तू लंगूर, तेरा बाप लंगूर, तेरे बाप का। अरे बड़े मियां, झगड़ा बंद करो, माल निकालो और इस हूर पर कब्जा करो। 500 दिनार। बिल्फाम। चश्मे बदूर। हमारे पास शिकायत पहुंची है कि इस लड़की की नीलामी गैर कानूनी तौर पर हो रही है। हजूर, ये शिकायत गलत है। शिकायत सही है हजूर, मैं गुलाम नहीं हूँ,
इस सौदागर ने मुझे जबरदस्ती गुलाम बनाकर बेच दिया। वल्लाह वल्लाह, यहाँ तो माल की अदला बदली भी हो चुकी है हुजूर। इसका फैसला हाकिम आला करेंगे, चलो। हाकिम आला का इकबाल बुलंद हो। हजूर, ये बदमाश मेरी बहन नसीम को भगा के ले जा रहा था। अच्छा, नसीम कहाँ है? सुभान अल्लाह, तुम भगा कर ले जा रहे थे इससे? नहीं हुजूर, नसीम अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये झूठ बोलता है हुजूर। तुम दोनों में से एक सच्चा है और एक झूठा। हमारा फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए हम फैसला ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। दोनों को एक एक तलवार दी जाए, जो सच्चा होगा उसकी जीत होगी, जो झूठा होगा उसकी मौत। घबराओ नहीं, दोनों तलवारें जहर में भुजी हुई हैं, फैसला फौरन हो जाएगा। ये फैसला वापस ले लीजिए हुजूर, मुझे दोनों में से किसी की मौत नहीं चाहिए। नसीम बानो, अगर भाई मर गया तो आशिक मिलेगा, और अगर आशिक की मौत हो गई तो समझ लेना तुम्हारे काबिल न था। मेरी बहन बेचारे सदमे की वजह से बेहोश हो गई, इसे हमारे हरम में पहुंचा दो। नहीं नहीं हजूर, हजूर ये सरासर सुलमा हजूर। मालूम होता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए इसे तहखाने में डाल दो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम और तुम्हारे आगे में आला सब बदमाश है, सालिम है, तुम सालिम हो, सालिम, सालिम। और कोई फरियादी है? हुजूर, ये हैं गुलामों के सौदागर उस्मान पाशा, और ये हैं सदर बाजार के कहवा खाने के मालिक बाकर अली। और मेरा नाम मर्जीना है हुजूर। लाहौल विलाकुवत, निगाहें नीची करके बात करो। माफ कीजिए हुजूर, मैं गुलाम नहीं हूँ, उस्मान पाशा ने मुझे धोखे से पकड़कर गुलाम बना दिया। हाकमे आला, ये लड़की सरासर झूठ बोलती है। नहीं नहीं हुजूर, मेरी हालत पर रहम खाइए, मुझे इन जालिमों से निजात दिलवाइए। लाहौल विलाकुवत, निगाहें नीची करो, वो खुदा के लिए दूर खड़े होके बात करो। सौदागर के पास क्या सबूत है ये लड़की असल में गुलाम है? हुजूर, ये सौदागर गैर मुल्क का बाशिंदा है, वल्ला वल्ला यहाँ के रिवाज नहीं जानता। कैसा रिवाज? हाकिम आला बड़े इंसाफ पसंद है, वल्ला वल्ला बगैर सबूत के कभी फैसला नहीं सुनाते। गुलफाम हुजूर, हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिए सबूत? चश्मे बदूर, सबूत हाजिर है हुजूर। हाकिम आला, ये लड़की असल में गुलाम है, इस बात का सबूत है। सबूत? सबूत गौर से देख लीजिए हुजूर, वल्ला वल्ला 100% खरा है। ठीक है, हमें सबूत मिल गया, ये लड़की वाकई गुलाम है। ये झूठ है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे दिखाइए। गुलामों को बोलने का हक नहीं होता, चुपचाप अपने आका के साथ चली जाओ। जी, जो हुक्म हुजूर। माफ कीजिए हुजूर, मर्जीना गुलाम थी, इसलिए उसे पूछने का हक नहीं था, लेकिन मैं तो गुलाम नहीं, इसलिए मुझे पूछने का हक है। बाकर मियां ने आपको क्या सबूत पेश किया? कौन है गुस्ताख? दो कौड़ी का लकड़हारा। ए, अपनी औकात देख और तमीज से बात कर। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन जब असूल का सवाल है
तो चट्टानों से भी टकरा जाता हूं। ओ, तो ये सबूत मिला है आपको? सिपाहियों, पकड़ लो इसे। तैमूर, इस गुस्ताख की नंगी पीठ पर 5 कोड़े रचित किए गए। जो हो कम हजूर, आज अनजाने में मुझसे एक गुनाह हुआ है। मेरी वजह से एक आजाद लड़की गुलामी की जंजीरों में जकड़ दी गई। शायद उसी की सजा वो ऊपर वाला आपके जरिए मुझे दे रहा है। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपके पीठ पर उसके कहर से इतने कोड़े पड़ेंगे, उसका हिसाब आप खुद लगा लीजिए। तुम फिक्र मत करो जमीला, जो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके चंगुल से बचना बहुत मुश्किल है मर्जीना, मेरी बात मानो, तुम यहां से भाग जाओ, रास्ता मैं तुम्हें बताती हूं। सुभान अल्लाह, जियो जमीला, वल्ला वल्ला, तुमने तो चांद को 4 चांद लगा दिए। हुस्न को हसीन बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आका। जमीला ठीक कहती है, वाकई तुम हुस्न की एक जीती जागती तस्वीर हो। गाना सुनाओ। गाना कहवा खाने में होता है, ये जगह तो रातों को रंगीन बनाने के लिए है। ये अंगूठी देख रहे हैं आप, इसमें जहर भरा है, अगर मैं जरा सी भी अपनी मुट्ठी दबा दूं तो इस जहर की एक बूंद मेरे जिस्म में चली जाएगी और मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए। ओह, समझा समझा, जरा ये अंगूठी मुझे दो। जी हाँ, यकीन करो, भरोसा करो, मैं वल्ला वल्ला सिर्फ देखने के लिए मांग रहा हूं। हाँ, ये लीजिए। जमीला जी आका, जरा इधर आओ, हम तुम्हें इनाम देना तो भूल गए। ये नहीं जमीला। हराम खोश, मुझे मर्जीना से जुदा करना चाहती थी। यूसुफ कादर, ले जाओ इस हराम खोर को। अब फरमाइए, अब क्या ख्याल है आपका? वल्ला वल्ला, बाप की मौत आपके हाथ में नहीं रही। अब भी मेरे हाथ में है। वो कैसे? हुजूर, अगर जहर सिर्फ एक अंगूठी में होता तो मैं वो अंगूठी कभी आपके हवाले नहीं करती। जहर इसमें भी है। लेकिन मैं तो जिंदा रहकर आपके कहवा खाने में सोने और चांदी की बारिश करवाना चाहती थी, लेकिन जब आपको ही मंजूर नहीं तो मैं क्या कर सकती? मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। वल्ला वल्ला, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के वादा करता हूं, कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, छूंगा भी नहीं। तो फिर लाइए मेरी अंगूठी, मुझे वापस दे दीजिए। अंगूठी? हाँ, हाँ, अंगूठी। शुक्रिया मेरे आका, जहर सिर्फ इसी में था। हाँ? अब आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा नहीं है, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा, लेकिन कहवा खाने में वल्ला वल्ला सोने चांदी की बारिश शुरू हो जाएगी। गुलबदन आ गई लो, आ
शबनम की सूरत मिल गई, मेरे पहलू में जो आया उसको जन्नत मिल गई। मैं हूँ एक नूर देखो, आँखों में नूर देखो, जलवे का काम लेके आ गई गुलबदन, आ गई लो आ गई गुलबदन, आ गई लो आ गई। जाने की इजाजत दे सकता हूं अमजदनिया। क्या आइंदा कभी बसरे का रुख नहीं करोगे? तुम क्या यहां के हाकिम हो? मैं ना हाकिम हूं ना गुलाम, लेकिन वो इंसान जरूर हूं जो अपनी आंखों के सामने जुल्म होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो क्या इरादा है, हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाना चाहते हो या दुनिया से? शहर तौबा करो। तौबा सोबा तौबा। Thank you.
हुजूर। हटो। लो हसीना, मेरी वजह से तुम गुलाम बनी थी, अब तुम आजाद। आपका क्या ख्याल है, आपके कहने से मैं आजाद हो जाऊंगी? मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कल भाग रही थी वैसे आज भाग जाओ। कल जो बात थी वो आज नहीं। कल क्या बात थी? कल तक बसरे में मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कहीं भी रह सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। आज वो बात नहीं, मैं सरे बाजार बिक चुकी हूँ, हाकिम आला ने मुझे गुलाम करार दे दिया है। अभी अभी कहवा खाने में मेरा नाच हुआ है, इसलिए मुझे पहचानने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि बचना नामुमकिन है। परिंदे के जब पर कट जाते हैं तो उसके लिए पिंजरे से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं होती। आपका शुक्रिया। लेकिन लेकिन मैंने तो फैसला किया है कि तुम्हें गुलाम नहीं रहने दूंगा। गुलाम सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मुझ जैसी बदकिस्मत लड़कियां और भी बहुत हैं। फैसला तो मैंने सबके लिए किया है, इब्तिदा तुमसे करना चाहता हूं। क्यों, मुझसे क्यों? यूं ही समझ लो कोई चीज दिल को भाग गई। काम क्या करते हैं आप? लकड़ा रहूं। तो फिर ये आपके बस का मर्ज नहीं। गुलामों को आजादी जोर और जबरदस्ती से नहीं, सोने और चांदी के सिक्कों से मिल सकती है, जो आप जैसे दीवानों के पास नहीं। खुदा हाफिज। बहादुर, सिम सिम खुल जा, सिम सिम बंद हो जा, सिम सिम Thank you.
भी अगर मिल जाए दौलत अच्छे काम लगाना हो अच्छे काम लगाना। नंगे बदन को कपड़ा भूखे को रोटी दिलवाना तू रोटी दिलवाना। नेकी की राहों पर चलना मकसद हो कर तेरा जायज है फिर तेरे लिए ये लूट कमाल खजाना। है तेरा ये ईमान नहीं तुझ पर ये इल्जाम हर कोने में पहुंचा दो ये अल्लाह का पैगाम आए जो किसी के काम। ओ आए जो किसी के काम जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम जीना है उसी का नाम जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम। अम्मी जान अम्मी जान। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी बेटे। तुम जरा दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ पर इसे अंदर कहाँ ले जा रहा है। वो सारा दरवाजा तो बंद करो। आजा बेटा आजा शाबाश। सोना 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 मेरा सोना। कैसे मिला कैसे मिला। देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बस समझ ले उसकी मेहरबानी हुई ऐसी जगह पहुंच गया जहां दौलत का अंबार लगा है। अंबार हाय अल्लाह इतनी दौलत। अम्मी इन सबको संभाले का इंसाफ कीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो फिर कंगाल के कंगाल। इन सबको गिन के नहीं तोल के गड़ा खोद के दबा देती है। ओहो लेकिन ये गिनने और तोलने की जरूरत ही क्या है। अरे अली तू नहीं समझता दौलत चाहे कितनी भी हो उसको संभाल कर रखिए। हाँ अम्मी अम्मी आप जाके तराजू ले आइए जल्दी। तराजू लीजिए लेकिन जल्दी वापस कर जाइएगा। जल्दी वापस ले आऊंगी। अच्छा। लो बेटे लो। आहिस्ते आहिस्ते लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को तराजू मांगने क्यों आए। ऐसी कौन सी चीज उनके घर आ गई जिसका रात को ही तोलना जरूरी था। देखा यही जानने के लिए मैंने तराजू के पलड़े के नीचे मोम लगा दिया है। अब जो चीज वो तोलेंगे पलड़े के नीचे लगी मोम से चिपक जाएगी और हमें मालूम पड़ जाएगा। क्यों जी अरे फिर सो गए। आइए आइए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा मैं चलती। हाँ हाँ सोने की अशरफी। सोने की अशरफी कहाँ है। ये रही तराजू के पलड़े के नीचे मैंने जो मोम लगाया था ना उसी के साथ चिपकी हुई थी। अच्छा अशरफी चिपकी हुई थी। हाँ चलो आज एक अशरफी का तो फायदा हुआ। ओफो तुम्हारी अकल तो घास चलने गई है। छोटे भाई के पास इतनी सोने की अशरफी आ गई है कि उन्हें गिनने के बजाय तोल रहा है और बड़ा भाई एक अशरफी पाके खुशी से फूला ही नहीं समा रहा। अरे हाँ ये तो सच है। इतनी अशरफियां उसके पास कैसे आई कहां से आई क्यों आई। दीवाना आ गया दीवाना।
दीवाना आ गया दीवाना। जा रही हो आज ये दीवाना सचमुच तुम्हें लेने आया है। लकड़हारे ज्यादा चढ़ गई है क्या? मल्ला मल्ला लकड़ी बेचते बेचते लड़की खरीदने आ गया और लड़की भी मर्जी ना जो हाथ लगाए मैली हो जाती गुलफाम। बदूर हजूर बड़े मियां से कह दो फालतू बातें छोड़े कीमत बोले। कीमत? हाँ कीमत अभी बताता हूं। चश्मे बदूर हजूर हाँ देखो मैंने इसे 500 दीनारों में खरीदा था और अब मैं इसे 500 सोने की अशरफियों में बेचने को तैयार हूं। बोलो है? बोलो है तुम्हारे पास 500 सोने की अशरफी? अरे तुम जाकर लकड़ियां काटो। बोलो पूरी 500 है गुलफाम हजूर? यकीन ना हो तो गिन लो। चश्मे बदूर हजूर पूरी है। वल्ला वल्ला तुम तो सचमुच खरीदने आए थे। तुमने सोचा था मैं ये गाने बजाने आया था? चलो मर्जीना लेकिन मुझे नहीं बेचना, किसी कीमत पर नहीं बेचना। सौदा हो चुका है बागर मियां, अब मर्जीना पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं? वल्ला वल्ला ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मेरा माल है। गुलफाम चश्मे बदूर। अरे हाँ। हुजूर तुम्हारे आका की जान खतरे में। गुलफाम जी हुजूर कागज कलम और दवात ले आओ। रामखोर मुझे मरवाएगा क्या? चलता प्यादे जल्दी लेकर आओ। बन गया। लिखो मर्जीना की कीमत 500 सोने की अशरफियां, अली से नकद वसूल पाई। पाई हाँ बच्चे पाई। शाबाश। मर्जीना अब तुम आजाद हो, जैसे हवा आजाद है, हवा में उड़ने वाले परिंदे आजाद हैं,
सूरज चांद और तारे आजाद हैं। अब तुम्हें किसी के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो। हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, वहां मेरी मां है और मेरा दोस्त है खैरू। अपने आका का हुक्म सर आंखों पर। देखो मर्जीना, मुझे आका और कनीज इन दो लफ्जों से सख्त नफरत है। अगर तुम मेरे घर चल के रहना चाहती हो तो तुम्हें दो बातों का वादा करना पड़ेगा। मुझे आका नहीं कहोगी और अपने आप को कनीज नहीं समझोगी। कनीज अपने आप को कनीज नहीं समझेगी तो क्या समझेगी, बताइए बताइए ना। वो मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैं आपको आका ही कहूंगी। क्या फिर आका? चलिए घर चलिए। अम्मी जान, कहवा ले आई बेटी। ले तेरा बेटा। अरे ये कौन? भाभी जान। भाई मान गए, इसको कहते हैं दौलत की करामात। कल रात कुंवारे थे, सुबह होने से पहले बीमार। दीदी तशरीफ रखिए, आपको गलत फहमी हुई है। कनीज एक अदना गुलाम है जिसे आका खरीद कर लाए हैं। ओह लीजिए कहवा पीजिए मेरे आका। अभी जान, इस लड़की से कह दीजिए मुझे आका ना कहा करे, और अगर कहना हो तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। देखा अम्मी जान, पूछिए इनसे, अगर मुझे अपनी खिदमत में नहीं रखना था तो फिर मुझे खरीदा क्यों? भाई मान गए, खरीद भी लिया और रखने को भी तैयार नहीं। वाह वाह वाह, तुम चुप रहो खैरू। अम्मी जान पूछिए इसे, खरीदने के बाद मैंने इसे क्या कहा था? इनसे पूछिए मैंने क्या जवाब दिया था। ओहो, बगैर किसी बात के खाओ क्यों झगड़ रहे हो? भाई मान गए, मियां बीवी भाई बहन बाप बेटे के झगड़े तो काफी देखे सुने, लेकिन आका और कनीज का झगड़ा आज पहली बार देखने को मिला। वाह 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 वाह। लीजिए कहवा पीजिए, और एक बात याद रखिए, मैं इस घर की जर खरीद गुलाम हूँ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जब जाएगा मेरा जनाजा जाएगा। हरू, मेरे साथ चल, बहुत बकबक करता। ये क्या कर रही है अम्मी जान? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। अली लकड़हारे का घर यही है? घर यही है हुजूर, लेकिन अली यहाँ नहीं है, बाहर गया है। ठहरो। यही है वो गुलाम लड़की। लड़की अंदर का जाती है। सिपाहियों घर का हर कोना तलाश करो, वो बदमाश यही कहीं छुपा होगा। हुजूर मेरा यकीन कीजिए, अली अंदर नहीं है। तू चुप रह बुढ़िया। माफ कीजिए, आपकी माँ की उम्र की है, आपको तमीज से बात करनी चाहिए। तमीज की बच्ची अदना गुलाम होकर हमसे दवाई लड़ाती है? मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हो? तैमूर बेग का हाथ रोकती है बुढ़िया। अम्मी जान आ गए अली। ये सरकारी मुलाजिम है, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे छोड़ो अली। मेरी कसम अली, तेरी ये हिम्मत? नहीं नहीं नहीं, इसे माफ कर दीजिए हुजूर, ये नादान है, अपना भला बुरा नहीं जानता। अली बेटे इनके साथ जाओ चुपचाप, और साथ वो गुलाम लड़की भी। जरा ठहरिए, हाकिम आला के हुजूर में जा रहा हूँ, चोगा तो पहन लूँ? इजाजत है। हरू तू भी चोगा पहन ले। अली लकड़हारे, तुम्हारे खिलाफ बाकरमिया शिकायत लेकर आए हैं कि कल आधी रात के बाद तुमने इनके कहवा खाने में दाखिल होकर दंगा फसाद किया और इस गुलाम लड़की मर्जीना को जबरदस्ती उठाकर ले गए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मेरे आका पे इल्जाम बिल्कुल गलत है। लाहौल बिलाकुवत, वही खड़ी रहो और निगाहें नीची रखो। हुजूर मर्जीना बिल्कुल ठीक कहती है, मैंने 500 सोने की अशर्फियां देकर इनसे खरीदा। इस लड़की के लिए 500 शर्फियां नामुमकिन, सबूत पेश करो। हेलो, सबूत हाजिर है हुजूर। अरे
मियां बाकर, क्या यह दस्तावेज तुमने लिखा है? जी, पर हुजूर, ये दस्तावेज मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। वल्ला वल्ला, गले पर चाकू रखकर क्यों गुलफाम? चश्मे बदूर हुजूर, चाकू नहीं खंजर, वो भी इतना बड़ा। सबूत पेश करो गुलफाम। चश्मे बदूर हुजूर, सबूत हाजिर है। हारू, हुजूर की खिदमत में इससे बड़ा सबूत पेश करो। अभी करता हूं। यह सबूत वाकई मियां बाकर के सबूत से बड़ा है। वल्ला वल्ला, मैं इससे भी बड़ा सबूत पेश कर सकता हूं हुजूर। गुलफाम, चश्मे बदूर, जो हुक्म हुजूर। ठीक है बाकर मियां। गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, मैं अपना आखिरी और सबसे बड़ा सबूत पेश करना चाहता हूं। खैरू, हुजूर, इतना बड़ा सबूत मियां बाकर के अब्बा भी पेश नहीं कर सकते। पकता है, चल के अंदर। खामोश, दरबार में हर आदमी तभी से बात करे। सुन लिया अब्बा जान? बहुत भारी है। आने दो। यह सबूत तो वाकई बहुत बड़ा है बाकर मियां। वल्ला वल्ला, मैं और भी सबूत पेश कर सकता हूं हुजूर। गुलफाम, जो हुक्म हुजूर। नहीं बाकर मियां, ने तुम्हारे सारे सबूत मिलकर भी अली लकड़हारे के दिए आखिरी सबूत से कम है। वल्ला वल्ला, कम है? इसलिए अली के खिलाफ तुम्हारी शिकायत झूठी साबित होती है। एक शरीफ आदमी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें 1 माह कैद बामुशक्कत या 500 दिनार जुर्माने की सजा दी जाती है, और तुम्हारे सबूत झूठे साबित होने की वजह से जब्त किए जाते हैं। वल्ला वल्ला, ये तो जुल्म है हुजूर। हमारे खिलाफ मुंह से 1 लफ्ज भी निकालोगे तो सजा दुगनी कर दी जाएगी। अली लकड़हारे, मर्जीना तुम्हारी मलकियत है, तुम उसे ले जा सकते हो। शुक्रिया हुजूर, लाख लाख शुक्रिया। लाहौल फिलाकुवत। देखिए ना अम्मी जान, दोनों भाई एक साथ खाना खाते कितने अच्छे लग रहे हैं। महमूद अली इन दोनों के बीच दीवार बन गई थी। उस दिन शैतान मेरी जबान पर आ गया था, जो न जाने क्या कुछ बक गई। मेरी वजह से उंगली से नाखून अलग हो गया था। अली, अपनी भाभी जान को माफ नहीं करोगे? ये क्या कह रही भाभी जान? तुम्हें मेरी कसम जो खाने पे से उठे, मैं तो यूं ही दिल का बोझ हल्का कर रही थी। अम्मी जान, जरा सुनिए। चलो अच्छा हुआ हम अकेले हो गए। अब बताओ क्या वही राज जिससे तुम रात भर में कंगाल से माला माल हो गए? भाईजान, आपको कितनी दौलत चाहिए बोलिए ना। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक, मुझे सिर्फ वो राज बता दे। नहीं भाईजान, तो राज मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब सलमा ठीक कहती थी, तुमने हमें अभी तक माफ नहीं किया। भाईजान, अली तू मेरा छोटा भाई है, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। अब अगर तुम्हारे भाई भाभी से कोई भूल हो भी गई हो तो क्या उसे जिंदगी भर दिल में लिए रखोगे? उफो, आप समझते क्यों नहीं भाईजान, वो जगह बहुत खतरनाक है। खतरे का खौफ दिखाकर हमें वो दिल नहीं बनाना। तुम्हें अम्मी जान की कसम। भाईजान, आपने अम्मी जान की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। दीवारों के भी कान होते हैं।
खुल जा सिन सिन। बंद हो जा सिम सिम। बंद हो गया। अशरफिया मोती माल ज्यादा और गधे कम। कासम तू गधा था तो सिर्फ 12 गधे लिया। अरे 12 ऊंट लाने थे गधे। गधे 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 गधे। गधे लिया पागल ऊंट लाने थे। Oh!
खुल जा रिम झिम। खुल जा रिम झिम। खुल जा रिम झिम। सही अल्फाज बोल गए। खुल जा गुम गुम। खुल जा दरवाजा। खुल जा, खुल जा घर। खुल जा, खुल जा, अरे खुल जा चट्टान, अरे पत्थर कंकर खुल जा। खुदा के वास्ते खुल जा या खुदा, खोल खोल दरवाजा, खोल खुदा के वास्ते खुल जा दरवाजा। या अल्लाह, या अल्लाह, खोल खोल। अम्मी जान। सलमा। अम्मी जान, अम्मी जान, इतनी देर हो गई, वो अभी तक लौट कर नहीं आए। कहाँ गया था वो? वही जहाँ अली ने बताया था। घबराइए नहीं भाभी जान, मैं जाता हूँ। खैरू, हाँ, रात का वक्त है और भाई जान घर में नहीं। तुम अम्मी जान और मर्जीना को लेकर इनके घर चले जाओ। कोई खतरे की बात तो नहीं बेटे? खतरे की बात है, इसलिए तो जा रहा हूँ। लालच का तो बंदे ये होता है अंजाम, हर कोने में पहुंचा दो ये अल्लाह का पैगाम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम। जीना है उसी का नाम। असलम, लाश के पांचों टुकड़े यहां लटका दो ताकि आइंदा कोई यहां आने की जुर्रत न करे। बंद हो जा सेम सेम। Yes.
असलम, मेरे बेटे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हमारा नहीं तो इस बूढ़ी माँ की आंखें। आप ठीक कहा करती थी अम्मी जान, लालच बहुत बुरी चीज है, लालच शैतान है, और इस शैतान ने मुझसे मेरा खाना को छीन लिया अम्मी जान। भाभी जान, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, इसलिए सब्र कीजिए और अब आगे क्या करना वो सोचिए। लाश के पांच टुकड़े हो चुके हैं, जनाजे के वक्त पास पड़ोस वाले टुकड़ों की वजह दरियाफ्त करेंगे, बात हाकिम आला तक पहुंच जाएगी। तो फिर किसी भी तरह ये पांच टुकड़े एक होने चाहिए ताकि देखने वालों को शक न हो। कौन है? नायब हाकिम तैमूर बे। अली, हम तुम्हारे घर होकर आए हैं, हाकिम आला ने तुम्हें याद फरमाया है। सुबह होते ही हाजिर हो जाऊं? नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। इस वक्त? ये तो उनके आराम करने का वक्त होगा। अगर ये आराम करने का वक्त है तो तुम अपना घर छोड़कर इस घर में क्या कर रहे हो? इस घर के सब लोग इतनी देर तक जाग क्यों रहे हैं? माजरा क्या है? भाईजान किसी जरूरी काम से बगदाद तशरीफ ले गए थे। भाभी जान ये अकेली थी इसलिए हम सब यहाँ आ गए। मेरे आका, हाकिम आला ने याद फरमाया है, देर करना मुनासिब नहीं। यहाँ की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, कनीस पे भरोसा कीजिए, जाइए तशरीफ ले जाइए। चलिए चलिए। हुजूर, लकड़हारा अली हाजिर है। अस्सलाम। खुश आमदीद। अरे वहां नहीं, हमारे दोस्त, हमारे मेहमान, हमारे पास तुझे वकील। जैसी आपकी मर्जी। जी शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं पीते तो शरबत पीजिए। जी बस। हम तो आपको एक मामूली लकड़हारा समझते थे। हुजूर, मैं मामूली लकड़हारा ही तो हूं। नहीं नहीं, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। जो एक मामूली टेढ़ी आंख वाली गुलाम लड़की को 500 अशरफियां देके खरीद सकता है, जो सबूत के तौर पर सैकड़ों अशरफियां पेश कर सकता है, वो मामूली नहीं, बहुत बड़ी हस्ती का आदमी है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, आपके पास ये बेशुमार दौलत आई कहां से? बस समझ लीजिए ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई। सो तो है, लेकिन उस ऊपर वाले की मेहरबानी के साथ साथ नीचे क्या चक्कर चला वो बता दीजिए। जी मैं कुछ समझा नहीं। आपने चोरी की, डाका डाला, या आपको कोई दबा हुआ खजाना मिल गया? हमें बताइए, हम आपको कोई सजा नहीं देंगे। हुजूर, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक बार फिर सोच लीजिए, वादा रहा, हम आपको कोई सजा नहीं देंगे। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है। वाह, कमाल है भाई, फट गई जूती, टूटा टांका। हाय हाय हाय, अरे मेरी दुकान में जमाल है, अरे कमाल है। कमाली तो है, इतनी कम रोशनी में किस तेजी और सफाई के साथ आपके हाथ चल रहे हैं, और वो भी इस उम्र में। फट गई जूती, टूट गए टांके, अरे मेरी अभी उम्र क्या है, बदन में बिजलियां फुदक रही हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ जूतियां ही सी सकते हैं या और भी कुछ? अरे चमड़े की हर चीज सी सकता हूँ, और वो भी ऐसी सफाई से कि देखने वाला
खुर्दबीन लगा के देखे तो उसे मालूम न पड़े कि कहाँ लग गया टाका। तो फिर मैं आप ही के पास आई हूँ। अरे तो आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। हाँ साथ चलना होगा, यहाँ बदबू है। ठीक है चलो चलो। नहीं नहीं, बात यह है कि बात क्या है, पांच टुकड़ों को सीकर एक करना होगा। पांच टुकड़ों को ऐसी देंगे सी देंगे। अरे मगर किस चीज के टुकड़े? ये तो वहीं पर चलकर पता चलेगा। वहीं पर चलो चलो। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कर लो, कर लो। आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। आंखों पर पट्टी, रात का वक्त और ये बुरखा है। चल जा यहां से, जा जा, मैं मिल गया शर्त। मैं आएगी क्या पट्टी बांधू? अरे तनाका, सोने की अशर फिफी। हाँ सोच लीजिए, ऐसी ही चार अशर्फियां और पेश की मिलेंगी। और मंजूर हो तो हाथ बढ़ाइए, काम हो जाने पर पांच अशर्फियां और मिलेंगी। बढ़िया दीदी। अरे अरे दीदी दीदी, अरे किस्मत भी जबकी तो इस बुढ़ापे में जबकि फट गई जूती और टूट गए टाके। कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, अब पट्टी तो क्या, पट्टा भी बांधे तो मैं तैयार हूँ। बुझा दे दिया, बढ़ा दे दुकान। चल 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 पांच अशर्फियां, पांच अशर्फियां, पांच अशर्फियां और मिलेगी, पांच और मिलेगी, पांच अशर्फियां, अशर्फियां। अरे भाई क्या क्या नहीं जिंदा है? अरे ये गलियां है के शैतान की हाथ, कब खत्म होगा ये रास्ता? जरा ठहरिए, क्या हुआ? ओ पट्टी बहा बंदे, पट्टी तो क्या, पट्टा बंदे, पांच शर्फियां, पांच की दस हो जाएंगी, दस हो जाएंगी। हाँ बचना, हाथ हम असला हो गया मैं, थाम ना। अरे कब खत्म? अरे अरे अरे, इस शहर में इतनी सीढ़ियां क्यों है? नहीं नहीं, इस तरफ इस तरफ, इस तरफ को। अरे अरे, ये गोल गोल चक्करबाजी क्या है? रास्ता ही ऐसा है, रास्ता ही ऐसा है। अरे बबारी में धकेलेगी क्या? अरे कोलू का बैल समझ नहीं है क्या मुझे? बात क्या है, बात है क्या, बात है कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं क्या निकलेगा? क्या है तो कौन है? इस तरफ जरा, इस तरफ सीढ़ियां। फिर सीढ़ी आ गई। अरे शहर के कौन से गड्ढे में ले जा रही है? अरे ऊंट की बदबू, पांच अशर्फियां, पांच अशर्फियां, 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 अशर्फियां। अरे सीढ़ी गिरी कि मैं गिरा? नहीं सीढ़ी नहीं गिरी, फट गई जूती, टूट गए झांके। अरे बाबा और कितना चलवाएगी? ये बदबू कैसी है? पट्टी खोल, खोल पट्टी, पट्टी खोल, पट्टी खोल, पट्टी खोल, सीना क्या है? अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये कौन मर्दूद है? ना फाजिया ना दरूद है। अरे फट गई जूती, टूट गए टांके, आदमी एक और टुकड़े पांच, 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 पांच। लाश के टुकड़े गायब, इसका मतलब है कि यहां कोई और भी आता है जो लाश उठाकर ले गया। सरदार ये जूता वहां पड़ा था, जरूर मरने वाले का है। असलम, इस जूते की मदद से यह मालूम करो कि हमारे हाथों मौत किसकी हुई थी और वो लाश कौन उठाकर ले गया। जब तक वो बदमाश जिंदा है ना तो हम महफूज रहेंगे ना हमारा खजाना। फट गई जूती, हो गया काम, लेके चल। ये लीजिए। अरे 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 की चल, अरे आ गई पट्टी, लेके चल। एक बात सुनिए। अरे और क्या सुनिए, अब और कुछ सिलवाएगी क्या? नहीं नहीं, देखिए इस बात का जिक्र और किसी से मत कीजिए। अरे और किसी से? अपने हाथ से नहीं करूंगा। अरे
अंधा बना के लाई, अंधा बना के ले जा रही है। अरे लाश थी, उसके मुंह पर कपड़ा, तू लाई तेरे मुंह पर नकाब। अरे कौन सा मनुष्य घर है मालूम नहीं, ये कौन सा मनुष्य दिन है मालूम नहीं, कौन सा दिन है? इतवार। अरे मुर्दा बोला, मुर्दा बोला, लेके चल, लेके चल, लेके चल। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, अब फौरन इनके कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। बेटा अली को तो आ जाने दो। अम्मी जान, अगर अली का इंतजार किया तो हो सकता कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं जाके मोहल्ले वालों को खबर करता हूँ। अब क्या इरादा है? इरादा पहले भी नेक था हुजूर, अब भी नेक है। बात ये थी हुजूर कि जिस नेक सीरत इंसान ने मुझे दौलत देकर माला माल कर दिया, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं खामोश रहा। आप मुझे बोलने का मौका देते तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन आपने तो एक झटके में मुझे दोजख दे दिया। क्या नाम है उसका? नाम अमीर अनवर अली बेग। उसने तुम्हें इतनी दौलत क्यों दी? मेरी गरीबी पर रहम आ गया हुजूर, बोले अली जितनी दौलत ले जा सकते हो ले जाओ। कहाँ रहते हैं? किसी एक जगह नहीं रहते हुजूर, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके सामने मौजूद है। क्या? मेरा मतलब उन्हें अपने सामने ही समझिए, यानी कि लाने में देर नहीं होगी। मैं गया और वो आए। हमें पता बता दो, हम खुद उन्हें बुलवा लेंगे। नहीं नहीं हुजूर, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वो यहाँ नहीं आ सकते। मैं और वो और मैं, दो जान एक जिस्म। नहीं नहीं, एक जान दो जिस्म, ये सब इस दोजक का सर हुजूर। दिमाग चकरा गया, जबान लड़खड़ा गई, बोलता कुछ निकलता कुछ। कहने का मतलब सिर्फ इतना था हुजूर कि मेरे गए बगैर उनका यहाँ आना नामुमकिन है। ठीक है जाओ, मगर एक बात याद रखना, अगर कल शाम तक तुम मनोहर अली बेग को लेकर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे सारे खानदान को मर्द हो या औरत इसी दोजक में डाल दिया जाएगा। जी। क्यों मियां, ये जूते क्या आपने सीए? जी नहीं, ये जूती मैंने नहीं सी। ऐसा बारीक काम तो बाबा मुस्तफा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। आप सामने वाली दुकान पर बाबा मुस्तफा से मालूम कीजिए। देख के चला करो मियां। बाबा? अरे माफ करो बाबा, कौन है, कौन है? घबराओ नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि ये जूती क्या आपने बनाई है? और नहीं तो क्या, मेरे बाप ने बनाई है। अरे बसरे के किसी अंधे को भी बता दोगे तो वो टटोल के कह देगा कि इतनी बारीक सिलाई बाबा मुस्तफा के सिवा कोई नहीं कर सकता। जी शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आपने बनाई हुई जूती, अरे मैंने बनाई है। बाबा मैंने कब कहा कि ये जूती आपने नहीं बनाई, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जूती आपने किसके लिए बनाई है? लो फट गई जूती और टूट गए टाके। अरे भाई आदमी के लिए बनाई, किसी गधे के लिए नहीं बनाई, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं बनाई। और सुथरा कौन आदमी खरीद गया, कहाँ ले गया, भाड़ में गया, मुझको क्या यार। आप याद करने की कोशिश तो कीजिए। मैं क्यों करूँ कोशिश, नहीं करता कोशिश। अरे किस्मत भी जागी तो बुढ़ापे में। अरे तना तना शफिया की नहीं है। अरे कल पांच टुकड़े जोड़ने की दस अजर्सियां मिली, आज एक नाम बताने की। हे कशफी, पांच टुकड़े? किस चीज के पांच टुकड़े? अरे आदमी के। अरे अरे बुढ़ापे में जबान की लगाम ढीली हो गई, जो नहीं बोलना था वो भी बोल गया। बाबा। अरे हाँ बाबा, अब जब बोल ही चुके हो। हाँ बोल चुका। तो ये लो पांच शर्फियां पेश की। अब वो जगह बता दो तो पांच शर्फियां और मिलेंगी। अरे कल दस मिली, आज दस मिली, बीस हो गई। अरे अरे बुझा दे दिया, बढ़ा दे दुकान। क्या हो? फट
फट गई जूती, टूट गया टाका। यही वो जगह थी जहाँ उसने मेरी आंखों में पट्टी बांधी थी। तुम्हारे पास कपड़ा है? है। निकालो निकालो, मेरी आंखों में बांधो। मगर? अरे मगर पानी में है, बांधो जल्दी बांधो बांधो। ठीक है बांधो, यहाँ चलो अब चलो अब चलो अब चलो 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 चलो। अब पट्टी बांधने के बाद मेरी आंखों का कमाल देखो, ये सीढ़ी आई आई ना, ये आया ना, आ जाओ आ जाओ। अरे चक्कर क्यों काट रहे हो बाबा? अरे बाबा तुम नहीं समझते, ये सब चक्करबाजी का काम, सब चक्करबाजी का काम है। आ जाओ आ जाओ, ये बाबा यही जगह थी, यही जगह थी। अब औका थामो थामो, और अब मुझे फिरकी लेने की। हाँ उसने यूं दी थी फिरकी, और उसके बाद यूं दी थी फिरकी। मेरा कलाओ मुकलाओ, और अब यही सीट थी, यही जाना है यही जाना है यही जाना है। डरो सीढ़ी आई आ गई ना, भैया ऊंट की बदबू भी आई। आओ आ जाओ आओ, ये दरवाजा आया। हाँ आ गया आ गया ना। अरे भाई यही है, निकालो शर्फिया निकालो। जरा ठहर जाओ देते हैं। अरे ठहर कैसे जाओ, अंदर मुर्दे बोला करते हैं। मैं वहां ठहरता हूँ मैं वहां ठहरता हूँ मैं वहां ठहरता हूँ। अच्छा किया उस मकान में मुर्दे बोला करते थे, वो तो जादू कर दिया ना। शक शक बहुत अच्छा किया मेहरबान। अब मेरी पांच अच्छी अमी दे दो, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम खत्म तो तुम भी भाई मान गए। तुम बनोगे अनवर अली बेग और मैं तुम्हारा दुम छल्ला अख्तर अली बे। लेकिन मियां माल कहां से लाओगे? गांव से। अरे वो तो मैं भूल ही गया था, तो करूं गधों का इंतजाम? गधों का नहीं ऊंटों का। ओ ऊंटों का, अभी करता हूं। आका जरा सुनिए, ये तो बताइए कि अनवर अली बेग है कौन? अरे क्या बात है उनकी, उम्र जरूर जरा बड़ी है लेकिन है खूबसूरत, दिल के दिलेर, चेहरे पे जलाल, उनके नजरे इनायत से जर्रा आफ्ताब बन जाता। सुनिए तो, अगर वो कल शाम तक न मिल सके तो? गजब हो जाएगा, अपने सारे खानदान पर आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा। हाकिम आला को तो तुम जानती हो। सुनिए कनीज, अगर आका के कुछ काम आ सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हाकिम आला को बेवकूफ बनाना तो कनीज के बाएं हाथ का खेल है। अली को कनीजों से काम करवाने की आदत नहीं। हाँ जरूरत पड़ने पर अली मर्जीना से जरूर मदद लेगा। हाफिज। बाबा मुस्तफा, वो सामने वाला मकान जिस पे निशान लगा है। निशान तो सभी मकानों पे लगे हुए हैं। नहीं सरदार, मैंने तो सिर्फ एक ही मकान पर लगाया था। तो फिर सब पर कैसे लग गए? जी पता नहीं, वो इसका मतलब है कि हमें उस आदमी से फिर मिलना होगा जिसने लाश के टुकड़े सिए थे। सरदार वो तो मर गया। मर गया? कैसे मर गया? जी मैंने सोचा कि उसका काम खत्म हो गया है,
इसलिए मैंने उसे भी खत्म कर दिया। अब मैं भी यही सोचता हूं कि तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका है। नहीं सरदार, इसलिए तुम भी हमारा दुश्मन सिर्फ खतरनाक ही नहीं चालाक भी है। पहले लाश के टुकड़े ले गया, फिर उसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए वही निशान सब मकानों पर लगा दिए जो असलम ने उसके मकान पर लगाया था। इसलिए हमें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा, वरना हमारी बरसों की लूट वो बदमाश एक ही झटके में उड़ा कर ले जाएगा। खुल जा सिमसिम, भागो, पकड़ो उसे। अनवर अली बेग की यह ख्वाहिश है कि अब बसरे की सड़कों पर कोई भिखारी नहीं होगा, इसलिए उनकी तरफ से तुम सबको सोने की पांच पांच अशर्फियां दी जाएंगी, लेकिन इस शर्त पर कि आइंदा तुम में से कोई भी भीख मांगने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। हजूर, मजबूरी थी इसलिए भीख मांगते थे। अब अमीर साहब की मेहरबानी हुई, हमें जलील काम से छुटकारा मिला। अमीर अनवर अली बेग जिंदाबाद। अमीर अनवर अली बेग जिंदाबाद। हैं? कीमत? शुक्रिया। सुनो, आज से तुम सब इनके गुलाम हो। हजूर, इन्हें समझा दो कि हमने इन्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा है। सुनो, आज से तुम सब आजाद हो, जहाँ जी चाहे जा सकते हो। हजूर, और इस उस्मान मियाँ को भी समझा दो कि इसने हमारी बख्शीश मंजूर की है, आइंदा कभी गुलाम लेकर यहाँ का रुख ना करे। आज के बाद यहाँ इंसानों की नीलामी नहीं होगी। ए, तुम्हें हाकिम आला ने याद फरमाया है। हुजूर, उम्र का तकाजा है, बिनाई जरा कमजोर हो गई। जरा देखो तो मियाँ, ये सामने कौन है? हुजूर, हाथ में चाबुक है, कोई कोचवान नजर आता है। तमीज से बात करो, हम हाकिम आला के दाएं बाजू अमीर तैमूर हैं। अमाक्तर, हुजूर, इसे समझा दो, अगर हाकिम आला की गुलामी से निजात चाहता है तो हम इसे भी खरीद कर इस कतार में खड़ा कर सकते हैं। क्या बकता है? अच्छा, तुम्हारी ये मजाल। सिपाहियों, खबरदार, अमीर साहब की तरफ उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा। अमाक्तर, हुजूर, इन्हें समझा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बेचारे सिपाही 10 दिनार मावार के मुलाजिम है। अब हम आज अपने फजलो करम से इन्हें आजाद करना चाहते हैं। ये सब अशर्फियां तुम्हारे लिए हैं, जो जितनी ले जा सके ले जा। राम कागो कुत्तो, नमक हरामो। अमाक्तर, हुजूर, कुदरत का असूल है कि खाली पेट और खाली हाथ गुस्सा बहुत आता। अमा, अगर नीचे उतर कर उठाने में शर्म महसूस होती हो तो मिया तुम भी लो। लाख तरकीबों की एक तरकीब,
कुत्ता अगर भौंके तो हड्डी डाल दो। चलो चलो। गजब हो गया अम्मी जान, गजब हो गया। हुआ आका हुजूर जिनकी तलाश करने गए थे वो अनवर अली बेग यही पुरानी कोठी में मौजूद हैं। लेकिन तुम कहां जा रही हो बेटी? आका हुजूर को तलाश करने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं मिले तो अमी साहब से अर्ज करूंगी कि एक बार जाकर हाकिम आला से मिल लें। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये तो कनीज का फर्ज है। भाई मान गए, वो आ रही है। कौन? मर्जीना। हुजूर उम्र का तकाजा है, बिनाई कुछ कमजोर हो गई। ऐसा लगता है जैसे कोई नूर, कोई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हमारे तरफ बढ़ रही है। हुजूर ये एक दिल फरोश काफिर हसीना है। हरी हसीना। तभी तो खरामा खरामा चले आ रहे हैं, गुलिस्ता गुलिस्ता हुआ चाहता है। हुजूर इस हसीना के हुस्न की रोशनी में हमारी आंखों की बिनाई तेज हो गई। हमारे पास आओ हसीना। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ आओ आओ। कनीज अली साहब की जर खरीद लौंडी है, मर्जीना नाम है। अल्लाह मर्जीना, हम भी तुम पर मरकर जीना चाहते हैं हसीना। मेरे आका आपकी तलाश में गए हैं, अगर आप हाकिम आला से नहीं मिले तो वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हम तुमसे मिलना चाहते हैं हसीना जी। हाँ हाँ मिलो मिलो, मिलने का मजा तो मिलने के बाद ही मालूम होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने आका की अमानत हूँ, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। अरे चली कहाँ हसीना? अमानत हुजूर, जिसे रहना चाहिए वो जा रही है और जिसे जाना चाहिए वो खड़ा है। भाई माँ। अच्छा तुम हैं। अदा आई जफा आई गरूर आया हिजाब आया, अरे हजारों आफतें लेकर हसीनों का शबाब आया। शबाब होस्त का शोला सा एक लहराया है, फलक से चांद का टुकड़ा जमीन पे आया है। रुख पे सजा के चिलमन, दिल की बढ़ा के धड़कन, हाय 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 मार डाला, ओए वल्लाह मार डाला, हाय अल्लाह मार डाला। ओए शबाब हुस्न तो हमने खुदा से पाया है, होता है। अभी तो हमने
में क्या फर्क है हसीना। हमारी शान में जो आपने फरमाया है, हमारे दिल पे खंजर मार के तड़पाया है। सुन ले ओ दिल के दुश्मन, तूने छुड़ा के दामन, हाय 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 मार डाला, ओए वल्लाह मार डाला, हाय अल्लाह मार डाला, हाय अल्लाह मार डाला, सचमुच में मार डाला जालिम। भाई मान गए, खेल खत्म हुआ कि नहीं? हाकिम आला की तरफ से ये दावत नामा आया है। आ गया। खेल तो अब शुरू होगा। कैसे? खुशामदीद, खुशामदीद अमीर साहब। आदाब। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज अमीरुल उमरा अनवर अली बेग साहब तशरीफ ला रहे हैं। देखो हुजूर, मैं तो इशारा कर रहा था लेकिन आपने देखा ही नहीं। इशारा क्यों कर रहे थे बेवकूफ, बोलना चाहिए था। खुशामदीद अमीर साहब, खुशामदीद। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लाहौल मिला। हुआ क्या? हुआ इस कनीज ने आपसे भी गुस्ताखी की क्या? अमा ये कनीज मर्जीना हमें अली से मिली है, बला की हसीना, छूने से निशान पड़ता। वैसे तो इस काफिर हसीना के जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत है इसकी आंखें, जैसे शराब के दो छलकते हुए पैमाने। सुभान अल्लाह, ये क्या चक्कर है? अमा चक्कर नहीं, चालाकी कहिए चालाकी। ये जब भी किसी की तरफ देखती है तो अपनी आंखें टेढ़ी कर लेती है, सामने वाला नफरत से मुंह मोड़ लेता है, और ये उसकी बुरी नजरों से महफूज रहती है। हम भी इसकी इस चालाकी के दो बार शिकार हो चुके। अच्छा। आई ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी हुजूर। सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए। वाह 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 वाह, आप तो माशाल्लाह काफी जिंदा दिल मालूम होते। जिंदा दिली में आपने सबको पछाड़ा है, आपकी ये महफिल तो हुस्न का अखाड़ा है। सुभान अल्लाह। अनाकर हुजूर, उम्र का तकाजा है, याददाश्त कुछ कमजोर हो गई। हम यहाँ आकर कुछ जाहिर करना चाहते थे, लेकिन क्या जाहिर करना चाहते थे? इरादा बंदा। इरादा इरादा। अमनिया, अगर आप इजाजत दें तो हम अपना इरादा जाहिर करें। हाँ हाँ जरूर, तशरीफ लाइए। शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा, आपका ये शहर हमें बहुत पसंद आया, अब हम हमेशा के लिए यहाँ आबाद होना चाहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात। लेकिन एक मुश्किल है, हमारे पास कुछ दौलत है, ज्यादा नहीं, बस समझ लीजिए कि 30 लाख सोने की अशर्फियाँ बगदाद में, 30 लाख सोने की अशर्फियाँ बलक में, 40 लाख सोने की अशर्फियाँ काबुल में, और बंदा परवर उतनी ही समझ लीजिए समरकंद, कंधार, बुखारा और दुनिया। हम अपनी इस इधर उधर बिखरी हुई दौलत को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोठी हमने खरीदी है वहाँ पर ऐसी कोई महफूज जगह नहीं जहाँ पर हम उसे रख सकें। लाहौल विलाखो, आप अपनी उस दौलत को हमारे पास रखवाएं। हाँ, हमारे खुफिया तहखाने में बहुत जगह है। सच? आप हम पर इतनी मेहरबानी करेंगे? हमें यकीन नहीं आ रहा, आप जानते नहीं आपने हमारा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हम आप जैसे इंसानों का बोझ हल्का करने में माहिर। ये मर्दूत यहाँ भी मौजूद, हमें इसकी सूरत से नफरत है, गुलामों की मंडी में ये आज हमसे निहायत बदतमीजी से पेश आया। अच्छा। हाँ बंदा परवर, वो आपके दोस्त अली भी तो शिकायत कर रहे थे
कि इसने उनकी अम्मी जान को एक बार ऐसा धक्का दिया। अम्मा अगर ये इनका नायब ना होता ना तो हम वही मंडी में सबके सामने इसकी पीठ पर 5 कोड़े रसीद करते। अगर ये बात है तो जो मंडी में नहीं हुआ यहाँ हो जाए। इसकी नंगी पीठ पर 5 कोड़े रसीद किए जाएं। हुजूर कुछ मेरी भी तो सुनिए। बको मत वरना सजा दुगनी कर दी जाएगी। बंदा परवर अगर इजाजत हो तो ये नेक काम मैं हुजूर आगाज हम करेंगे। रकासा सलोमी मिस्र की मशहूर रकासा। भाई अब मर्जीना के होते इसे बुलाने की क्या जरूरत थी। मर्जीना को नाचना भी आता है। कनीज गाना भी जानती है हुजूर। सुभान अल्लाह तो फिर दोनों के फन का मुजाहरा साथ साथ। Man!
अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। तैमूर हुजूर, इन साहबान को छोड़ के आओ। तुम कहां चली जाने वाली? आज हमारे नजरे इनायत की हकदार तुम हो। हुजूर, अपनी नजरे इनायत का रुख किसी और तरफ घुमा लीजिए, वरना खामखा रुसवाई होगी। क्या मतलब? मेरे तो मुहाफिज हैं, जो साए की तरह मेरा पीछा करते हैं। मुझ पर जहां किसी की नजरें बद हुई कि दोनों फौरन नमुदार हो जाते हैं। नहीं, नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम्हारे मुहाफिज नहीं आ सकते। आओ, तुम बेफिक्र होकर हमारी आगोश में आओ। मुझे अपनी नहीं, आपकी फिक्र है। तुम वाकई बहुत चालाक हो मर्चीना, पहले टेढ़ी आंखें बनाकर हमसे बची रही, अब मुहाफिज का डर दिखाकर बचना चाहती हो। कनीज का फर्ज आपको खतरे से आगाह करना था, वो कर दिया। अब आप आग से खेलना ही चाहते हैं तो खेलिए, कनीज हाजिर है। हम भी तो हाजिर है मेरी जान। कौन तुम? मुहाफिज, यहां क्यों आए हो? तुम्हें सबक सिखाने। क्या? तुम्हें फिर से खरबूजा बनाने। ये तो सिर्फ नमूना है, असली बिटाई तो तहखाने में। तहखाने में? हाँ, जो हम कहें करते जाओ और हमें तहखाने का रास्ता दिखाओ, वरना दोजख में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, फिर चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ? हाकिम आला इस तरह जाएंगे, इनके कपड़े बदल दें। चलो 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 चलो। इन सब कैदियों को हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाए। जी हुजूर, सिपाही आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हुजूर, छोड़ दिया जाए। इन बदकिस्मत लड़कियों को भी जिन्होंने हुजूर के हरम का खिलौना बनने से इनकार कर दिया, आजाद कर दिया जाए। हुजूर हुजूर, छोड़ो इन्हें भी छोड़ो। भाईजान, 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 भाईजान। चलो यहां से। हुजूर तखलिया चाहते। हुजूर तखलिया। हुजूर हुजूर। हुजूर चलिए। हुजूर चलिए। हुजूर चलिए। Oh!
तेरे को भाई? कौन पागल है? पागल यार अली, आज जिंदगी में पहली बार गधे के ऊपर भैंसे को चढ़े देखा है। यह कह रहा हूं, शक्ल को जानी पहचानी मालूम होती है यार। लगता तो है कहीं देखा है। क्यों बे गैंडे, कहां देखा है तुझे? ये कैसे बोलेगा यार? क्यों, इसके मुंह पे तो पट्टी बंदी है। खरू, क्या हुआ? बिच्छू ने डंग मारा क्या? हाकिम ने आला। क्या बात कर रहा है, ये कोई हाकिम ने आला? ये तो पागल है। अबे हाकिम ने आला ही है। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो 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 हटो, आ जाओ आ जाओ, हाकिम आला है, हाकिम आला। तुम्हें छुटवा देंगे, गर्दन उड़ा देंगे, हाकिम आला है। जी जी कुछ समझे? पट्टी पट्टी, हाँ पट्टी। न जाने किस कमबख्त ने कब का बजा लिया, मुंह काला करके गले में जूतों का हाथ डाल दिया। तुमने खड़े खड़े क्या करो? जाओ ऐसे। एक इसे कहता है, तुम्हें कहता हूँ, गुलाम को दो। घोड़ा तेरे बाप का है, जानता नहीं हम कौन है? ये तो जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि ये कौन है। कौन है? हाकिम आला। हाकिम हुजूर, गलती हो गई, लीजिए घोड़ा, मुझे पहना दीजिए, पहचान नहीं पाया। अबे देख क्या रहे हो, हट जाओ आगे से। इसका मतलब यह है कि अली और अनोर अली दोनों ही हमारी घर का राज जानते हैं सरदार। तुम सब के सब गधे हो। क्या तुम में से किसी ने भी अली और अनवर अली बेग को एक साथ देखा है? नहीं सरदार। इसका मतलब यह हुआ कि अली ही अनवर अली बेग है। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर आवाज बदलकर बोलता है, हमारी गार में से दौलत चुराकर अमीर बन गया है। आपका ख्याल सही है, आज ही रात उस बदमाश को जहन्नुम रसीद करना चाहिए। मर्चिना, तुमने अपनी कहानी सुनाई और मैंने तुम्हें खजाने और गार का राज बताया। मेरा ख्याल है कि वो गार वाले डाकुओं का सरदारी असल में वो शैतान जिसने तुम्हारे सारे खानदान को तबाह करके तुम्हें दर दर की ठोकरें खिलाई। मेरा भी यही ख्याल है। जो खंजर मेरे अब्बा हुजूर और भाईजान के सीने में घोपे गए थे, उन्हें मैंने गौर से देखा था। उनकी बनावट उस खंजर से मिलती है जिससे बाबा मुस्तफा का खून हुआ था। अब तो तुम्हें बदला लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ, आप मुझे एक बार वो गार दिखा दीजिए। नहीं नहीं मजीना, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। अनवर अली बेग बनकर मैंने जो जाल फेंका है उसमें वो खुद ब खुद आकर फंस जाएगा। अली, सौदागर शहर यार तुमसे मुलाकात करने और तुम्हारी इजाजत से आज की रात यहां गुजारने के लिए तशरीफ लाए हैं। सौदागर शहरियार। शुक्रिया अमीर साहब, आपका नाम और शोहरत यहां आकर पहली बार सुनी, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब हमने भी आपका नाम पहली बार सुना है, आपसे मिलकर हमें भी खुशी हुई। अमीर साहब, इनमें हमारा कुछ सामान है, रात भर का मुकाम है, सुबह होते ही। अना सुबह किसने देखी? सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं जी। अनातर हुजूर, गिनो तो मियां कितने हैं? हुजूर मैं पहले ही गिन चुका हूँ, 2 में 40 का, मेरा मतलब है 40 में 2 कम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 40 में 2 कम ही होने चाहिए। अना माल आपका, कम हो या ज्यादा इससे हमें क्या गर्ज? गुस्ताखी माफ हुआ का जरा। हाँ बोलो मर्जीना। कनीज ने खूब गौर से देखकर तसल्ली कर ली है, आपने जो जाल फेंका था उसमें कबूतर फंस गया। कबूतर? अमा कबूतर को तो फंस नहीं था, फंस गया। अमा हुजूर,
खूब खातिर तवाजो करो अपने मेहमान की, रात भर के मेहमान है बेचारे। जी अब आप खामखा चौक पड़े, आप ही ने कहा था ना कि रात भर का मुकाम है, मैंने कह दिया रात भर के मेहमान है, आप ही की बात दोहरा दी, कुछ गलत थोड़ी कहा। क्यों हाँ। अरे मां तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, चलो चलो अपना काम शुरू करो। आइए आइए आइए। वाह 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 वाह, क्या शानदार जगह है अमीर साहब। सब आप ही की मेहरबानी है हुजूर जी। शतरंज का शौक फरमाते हैं आप। अमीर साहब शतरंज का माना हुआ खिलाड़ी हूँ। अमां ये बात है जी, तो फिर अपने भी हाथ देखिए, आइए मैदान में आइए ना। हाँ आइए आइए। ओहो ये कमबख्त बुढ़ापा। कहिए अमीर साहब कौन सी तरफ बैठना पसंद करेंगे, काले मोरों की तरफ या सफेद? अरे हुजूर जहां आप चाहें। तो फिर आइए। हाँ हाँ बेशक बेशक। दीजिए रात के खाने से पहले शाम का शरबत नोश फरमाइए। अंदर ही रहो और ऊपर जाओ। अमीर साहब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, किसी ना किसी दिन तो बकरे की गर्दन को कसाई की छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा। अम्मा बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन पहले इस बात का फैसला तो हो जाए कि बकरा कौन है और कसाई कौन। हुँ? हुँ? आज आप जिस बुरी तरह से घिरे हैं उससे तो लगता है कि बकरा आप। अमा कौन घिरा है ये तो अभी मालूम हो जाएगा। ये लीजिए बच्ची है किश। बचना मेरे लिए नहीं आपके लिए मुश्किल है, मेरे सारे के सारे मोरे मौजूद हैं। लीजिए बच गया। आप इस खुशफहमी में मत रहिएगा हुजूर, आपके मोरे एक एक करके खत्म हो जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। जी मर्चिना अब सिर्फ चार बच्चे इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ मैं इन सबको ठिकाने लगा के आता हूं। क्या कहा था हमने, एक एक करके सब खत्म हो रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? आखिरी किश्त और बाजी मात। मान गए अमीर साहब आपको मान गए। बुढ़ापा भी बाजी में अगर एक चाल गलत हो जाए तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी हार जाता है। बैठिए ना बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। शिकारी का वार चूक जाए तो बड़े से बड़ा शिकारी शिकार बन जाता।
से ही शक था, इसीलिए मैं अपने साथियों के साथ तैयार होकर आया हूं। जलाल, सब लोग बाहर निकल आओ। कोई नहीं आएगा, आपके सारे साथी खत्म हो चुके हैं। अमा, हमने तो पहले ही कहा था आप अकेले रह जाएंगे। मैं अकेला ही काफी हूं। शिकार कौन हो तुम? मर्जीना, बगदाद शरीफ के अमानुल्लाह की बेटी, जिसके अब्बा और भाई जान को तुमने मौत के घाट उतार दिया। आज उनकी रूहों को सुकून मिलेगा। आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। अली, हाकिम आला। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख लड़की को। अमा अमीर साहब, इस कनीज ने आपकी शान में गुस्ताखी जरूर की, लेकिन इस जाबर डाकू और उसके साथियों को खत्म करके जो बहुत बड़ा कारनामा किया है, उसका इनाम भी तो इसे मिलना चाहिए। क्यों? उसका इनाम तो इसे हमारे हरम में पहुंचकर मिल जाएगा।
लेकिन इसके दोनों महाफिजों को सजा नहीं मिलेगी। भाई मान गए। औरत पे हाथ उठा दे। नहीं आती। अपनी तलवारें फेंक दो वरना। तलवार तुम अपनी फेंक दो वरना। वरना क्या? सामने देखो। अम्मी जान ले चलो इन सबको। चला चल बढ़िया। अली अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी फैसला करो और अपनी दौलत का राज बताओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? तैमूर। हुजूर। नादान मत बनो अली, ये चाबुक तुम्हें गिरने पर मजबूर कर देगा और तुम्हारी माँ फांसी के फंदे के साथ लटक के मर जाएगी। कह दिया मैं नहीं बताऊंगा। समाज में थे इस कमीने को कभी राज मत बताना। खामोश बढ़िया। तैमूर देखता हूँ कैसे नहीं बताता। मैं तो इसे मारते मारते थक गया। लाहौल बिलाहौल हम बैठे बैठे थक गए, लेकिन ये कमबख्त अपनी मां का बोझ उठाए अभी भी खड़ा है। बेवकूफ तुझे क्या मालूम मां क्या होती है? मां के पांव तले जन्नत होती है और जन्नत में खड़े इंसान के कदम ये चाबुक तो क्या तीर और तलवार के वार भी नहीं जगमगा सकते। बता रहा हूं जन्नत। या सुना ठहरिए जरा ठहरिए। ये पीर और मुर्शद आपको अली की दौलत का राज बताने को तैयार हैं। मर्जीना आप जरा खामोश रहिए मेरे आका, ये मिजान की जिंदगी का सवाल है। कौन हो तुम? मैं एक मामूली फकीर हूं, मेरी नजरों में एक इंसान की जिंदगी की कीमत सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा है। अगर तुम उस खजाने का राज जानना चाहते हो जहां से अली दौलत लेकर अमीर बना, तो इन दोनों को फौरन छोड़ दो। पहले इस बात का सबूत दो कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच है। सबूत डिबिया में चाहिए या संदूक में? क्या नादान मत बनो, खुशनसीबी तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है। फकीर की बात मानोगे तो खलीफा से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे और नहीं मानोगे तो जहां हो वहीं रहोगे। ठीक है तैमूर। हुजूर छोड़ दो इन्हें। अब बताइए राज क्या है? राज को राज की तरह बताया जाता है, मेरे साथ आओ। सुभान अल्लाह इतनी दौलत, इससे तो हम अपनी ऐशगाह को बहिष्त में बदल देंगे। चारों तरफ हूरे होंगी, हसीन नजारे होंगे, शराब के फवारे होंगे। शुक्रिया पीर मुर्शद, शुक्रिया। बादशाह सलामत। आप अफजल बेग तुम्हारी जगह बहिष्ट में नहीं दोजख में, मौत से पहले भी और मौत के बाद भी। शहंशाह रहम, रहम। कसूर हमारा ही था, हमने पहचानने में गलती की। जिस कुर्सी पर अली जैसे फरिश्ते को बैठना चाहिए था उस पर हमने तुझ शैतान को बिठा दिया। आज से अली इस शहर का हाकिम आला और बहादुर मर्जीना अली की मुशीर खास।
लालच का तो बंद ये होता है अंजाम, हर कोने में पहुंचा दो ये अल्लाह का पैगाम, आए जो किसी के काम। ओ, 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 आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम, आए जो किसी के काम, जीना है उसी का नाम, जीना है उसी का नाम, आए जो किसी के काम।